हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजकीय बाणगढ़ विद्यालय में 10 सितंबर को होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर जिस तरह से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद व NSUI के छात्रों के बीच लगातार तनाव के हालात बनते जा रहे हैं, उसको देखते हुए कॉलेज प्रशासन ने आई कार्ड के आधार पर ही छात्रों को कॉलेज में प्रवेश देना प्रारंभ किया है। वहीं कॉलेज परिसर में पुलिस बल भी तैनात करने के लिए पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा गया है। कॉलेज के प्राचार्य DK नवलखा ने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार जिस तरह से बाहरी छात्रों कॉलेज का शांत माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उसे देखकर शुक्रवार से बगैर आई कार्ड आने वाले छात्रों छात्राओं का प्रवेश पूर्णतया प्रतिबंध कर दिया है। पहले दिन कुछ छात्रों को जरूर परेशानी आई है, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने साफ कर दिया है कि चुनाव के बाद भी बगैर आई कार्ड से किसी भी छात्रों को कॉलेज परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ज्ञात रहे कि चुनाव को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद व NSUI के छात्र गुटों के बीच में अब तक 2 बार लाठी बाटा जंग हो चुकी है, जिसको लेकर पुलिस ने 7 छात्र नेताओं को गिरफ्तार भी कर चुके हैं। पाली से जागरूक TV की रिपोर्ट।